तो दोस्तों जब ब्रॉक लेसनर जैसे बंदे का नाम लिया जाता है तो दोस्तों हर एक बंदे की पीली और गीली एक साथ हो जाती है। और दोस्तों ब्रॉक लेसनर जैसे मॉन्स्टर को हराने के लिए WWE में बाप पैदा हो चुके हैं। और WWE में से कौन से टॉप 5 सुपरस्टार है जिन्होंने दोस्तों ब्रॉक लेसनर को धूल चटाई है, आइए दोस्तों जान लेते हैं कि ये टॉप 5 सुपरस्टार कौन है। नंबर 5 जॉन सीना। तो दोस्तों साल 2012 में जब दोस्तों ब्रॉक लेसनर WWE में रिटर्न आए तभी ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को टारगेट किया। और दोस्तों एक्सट्रीम रूल 2012 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना मैच गया। सबको लगता था इस मैच में ब्रॉक लेसनर जीतेंगे पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि दोस्तों जॉन सीना ने काफी सारा मार खाने के बावजूद दोस्तों ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। तो दोस्तों इससे हमको समझ में आता है कि ब्रॉक लेसनर हो या फिर आंधी तूफान हो, उनको हराने वाला एक तो बाप होता ही होता है। नंबर 4 ट्रिपल एच। तो दोस्तों रसलमेनिया 29 में ट्रिपल एच वर्सेस ब्रॉक लेसनर नो होल्ड बार मैच गया था। सबको लगता था दोस्तों इस मैच में फिर से ब्रॉक लेसनर जीतेंगे पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि दोस्तों ट्रिपल एच ने कई सारा मार खाने के बावजूद इस मैच में ट्रिपल एच ने विक्ट्री पा ली थी। नंबर 3 गोल्डबर्ग। तो दोस्तों साल 2015 से ब्रॉक लेसनर को एक भी सुपरस्टार पिनफॉल नहीं कर पा रहा था, लेकिन 2016 में ब्रॉक लेसनर का बाप गोल्डबर्ग आया था। और दोस्तों आपको मालूम होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग रसलमेनिया 20 में भी गया था, उसमें गोल्डबर्ग जीते थे। और गोल्डबर्ग को 2016 में पूरा भरोसा था कि वो अभी भी ब्रॉक लेसनर जैसे दानों को हरा सकते हैं, पर दोस्तों सर्वाइवल सीरीज 2016 में ब्रॉक लेसनर को मात्र 1:26 में हरा दिया था। और दोस्तों ब्रॉक लेसनर के करियर में काफी शर्मनाक बात है। नंबर 2 सेथ रॉलिंस। तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस लगातार 3 बार मैच हो चुका है। पहला मैच 2015 के बैटल्स ग्राउंड में हुआ था और दोस्तों उसमें अंडरटेकर के इंटरफेयरमेंट के वजह से उस मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। उसके बाद रसलमेनिया 35 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच गया था, पर सेथ रॉलिंस ने उस मैच में लो ब्लो का सहारा लेकर ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था। पर उसके बाद समरस्लैम 2019 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच गया था। उस मैच में दोस्तों हमको सेथ रॉलिंस ऑफिशियली जीतते हुए हमको दिखाई दिए थे। नंबर 1 पे आते हैं हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर लगातार 5 बार मैच गया है और उसमें रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को 3 बार हराया है। पहली बार दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर 2018 के समरस्लैम में गया था, उसमें दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन के इंटरफेरेंस के वजह से दोस्तों रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था। उसके बाद क्राउन ज्वेल 2021 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस मैच गया, उसमें दोस्तों उसोस के मदद से रोमन रेंस जीते थे। उसके बाद दोस्तों रसलमेनिया 38 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस मैच गया था अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, पर दोस्तों ये मैच ऑफिशियल खत्म हुआ था और दोस्तों फिर से रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को ऑफिशियली हरा दिया था। तो दोस्तों ये टॉप 5 रेसलर है जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को चिटपट किया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।